नमस्कार, ई दिना में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं मनीष शर्मा, जो कि बनारस के ही हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं और बनारस मोदी जी का चुनाव क्षेत्र भी है और एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यूपी के लिए कुछ बातें शुरू में ही स्पष्ट कर देनी ज़रूरी है कि इस बार पहला बार पिछले 14 के बाद पहली बार ऐसा कोई चुनाव हो रहा है जिसमें कोई केंद्रीय नैरेटिव नहीं है, कोई लहर जैसा मसला उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ही नहीं है, और अगर ठीक से उसको कहें तो कोई मोदी फैक्टर भी काम नहीं कर रहा है, और यह चुनाव धीरे धीरे आम चुनाव में तब्दील होता गया है। ये बात चुनाव से एक महीना पहले तक ये बात नहीं सोची जा सकती। चुनाव से एक महीना पहले तक न उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे सोच रही थी और न ही खुद बीजेपी ऐसा सोच रही थी। और जिस तरह से 2014 में एक केंद्रीय एजेंडा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी एक चैंपियन के बतौर उभरे थे, उसी तरह 2019 में आप देखेंगे कि एक राष्ट्रवादी उन्माद का लहर था, बालाकोट और पुलवामा का मसला था, और ठीक उसके बाद इस बार ये कोशिश जरूर थी कि राम मंदिर का, आपने देखा होगा जिस तरह से भव्य उद्घाटन किया गया, राम मंदिर को केंद्रीय एजेंडा बनाने की कोशिश थी, और ये एहसास भी था कि राम मंदिर एजेंडा बनेगा, और उत्तर प्रदेश में होने के चलते ये और ज़्यादा इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार में होना था। लेकिन बहुत जल्दी ये मुद्दा अप्रासंगिक हो गया, और केवल राम मंदिर नहीं बल्कि जितने कम्युनल टेंस के मुद्दे थे, ज्ञानवापी हो, धर्मांतरण कानून हो, या जिस तरह जितने भी कम्युनल टेंस के मसले थे वो लो लेवल पे चले गए, वो बहुत मुद्दा ही नहीं रह गए। बल्कि मैंने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जल्दी मैंने देखा कि जो एंटी जाटव जो माहौल था अन्य दलित जातियों में, जो एंटी यादव जो माहौल था अन्य अति पिछड़ी जातियों में, वहाँ एक भाईचारा दिखा, और जो पूरा दलित और पिछड़े जातियों का एंटी मुस्लिम जो पूरा एक माहौल था वह पूरे उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि वो बेहद सकारात्मक रिश्ते में तब्दील हो गया। तो आप इस बात को अगर देखिए, और ठीक बीच के बीच चुनाव में कोई केंद्रीय नैरेटिव नहीं बना, कोई मोदी फैक्टर नहीं रहा, यह आम चुनाव में तब्दील होता रहा, लेकिन चौथे पांचवें फेज पर आते आते उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे अखिल भारतीय स्तर पे सामाजिक न्याय, संविधान और जो है आरक्षण, ये इसके लिए बीजेपी खतरा है, और 400 सीट इसलिए चाहते हैं, ये पूरे देश में हालांकि बना, पूरे उत्तर भारत में हालांकि बना ये मुद्दा, लेकिन उत्तर प्रदेश में और खास करके पूर्वांचल में, और खास करके पूर्वांचल और ये बिहार और यूपी का जो कह लीजिए कि जो इलाका है, जो सटा हुआ इलाका है, उसमें बेहद गंभीर और बेहद संवेदनशील मसला बन गया है। और इसलिए हमको लग रहा है कि पूर्वांचल की 25-26 सीटों पे उत्तर प्रदेश में तो जो संकट है, हर चरण में बीजेपी अपनी सीटें खोती हुई आ रही है, लेकिन ये जो छठवां चरण जो बीता है इसमें बहुत बड़ा झटका लगा है बीजेपी को लगने जा रहा है, और सातवां चरण हमको लगता है कि बेहद कह लीजिए कि मोदी सरकार के लिए, भाजपा के लिए बेहद संकट पैदा करने वाला, और मेरा मानना है कि आने वाले समय में खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में दो जगह के लिए कुछ बातें की जा सकती हैं कि अगर सीटों के स्तर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 35-40 सीटों पर बेहद टफ लड़ाई है, और ये बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो है 50 के नीचे आ सकती है, और बिहार की जहाँ तक बात है, और ये जो 50 के नीचे आने वाली जो बात है उसका सेंटर पॉइंट पूर्वांचल बनने जा रहा है, ये बात मैं आपसे आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात कह रहा था कि सामाजिक न्याय और आरक्षण का जो सवाल है, संविधान का जो सवाल है, वो बिहार में बेहद संवेदनशील मसला है। आपने ध्यान दिया होगा भागवत के बयान के बाद बिहार चुनाव में भूचाल आया था, आपने ध्यान दिया होगा अखिल भारतीय स्तर पर जाति जनगणना को नकारा जाता रहा लेकिन बिहार को कराना पड़ा, आपने ध्यान दिया होगा बिहार में जो है कर्पूरी ठाकुर सबसे पहले पिछड़ा अति पिछड़ा का फार्मूला लेकर के आए, और इसलिए जब इस बार भी संविधान का जो मसला बना है तो बिहार और ये उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल वाला इलाका है यह बीजेपी के लिए बेहद संकट लेकर के आने वाला है। और हम समझते हैं कि 4 जून का जो फैसला आने जा रहा है उसमें उसमें बीजेपी अगर पीछे जाती है, बीजेपी सत्ता खोती है, तो उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूर्वांचल का इलाका है और बिहार, ये बड़ा रोल अदा करने जा रहा है। धन्यवाद।
मनीष का कहना है कि इस समय पूर्वांचल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है बीजेपी के लिए और जिसको बीजेपी ऑलमोस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है, और ना सिर्फ बीजेपी, सारे चुनावी विश्लेषक सोचते हैं कि इस एरिया में तो कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बीजेपी का ही है। तो मनीष की जो बात है ये हम कितना मतलब अविश्वसनीय बात है कि इतना ज़्यादा स्वीप हो रहा है। स्वाति जी, ये इम्पोर्टेंट है, वो ग्राउंड में काम कर रहा है और चुनाव तो करवट बदल रहा है, ये तो सबको दिख रहा है। करवट बदल रहा है तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, वो बीच में ऐसे ऐसे नहीं होता। इसीलिए मनीष के बात के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए। ये जमीनी मुद्दा है और ज़मीन पर वो काम कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं वो नंबर का हम स्टिक कर रहा होना चाहिए जी। तो बिहार से हमारे साथ संतोष हैं जो एक जर्नलिस्ट भी हैं, फी दिन उन्होंने बिहार में बिताए, चुनाव कैंपेनिंग भी की और लोगों के बीच गए, दलित बस्तियों में गए, उनका हम अनुभव सुनेंगे और उनसे अनुमान लेंगे कि वो कितनी सीट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं ग्रामीण मजदूर यूनियन बिहार का कार्यकर्ता हूँ। पिछले 15-20 दिनों से मैं लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में घूम रहा हूँ। हमारा संगठन ग्रामीण मजदूर यूनियन, नरेगा और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बीच में रोहतास, कैमूर और काराकाट का जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें काम करता है। हमने जो पिछले 15-20 दिन के सघन प्रचार अभियान के दौरान जो बातें देखी है ज़मीन पे, उससे ये पता चलता है कि जब ये चुनाव डिक्लेयर हुआ था 2 महीना पहले, तो उस समय बहुत ऐसी हालत थी, लोग इस चुनाव में को लेके बहुत आशान्वित नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बीता, अलग अलग मुद्दे को लेके जब चुनाव प्रचार इंडिया गठबंधन ने शुरू किया, खास करके ग्रामीण इलाकों में 400 जो नरेगा मजदूरी की रेट है और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जो स्कीम्स है, महिलाओं को साल में 1,00,000 रुपये देने की जो बातें हैं वो बहुत घर कर गई हैं कैंपेन में। और हम लोग अलग अलग गांव में जब भी गए तो इस मुद्दे के प्रति हम लोगों ने काफ़ी कैचमेंट देखा, काफ़ी अट्रैक्शन देखा। दूसरी बात जो बहुत गौर करने वाली दिखी हमें, वो उसमें जो संविधान बदलने का, जो आरक्षण ख़त्म करने का या जो जनतंत्र ख़त्म करने की लड़ाई है वो बहुत नीचे तक पहुंच चुकी है। हर गांव में हमें लोगों ने बोला कि इस बार हमें जनतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है, इस बार हम ये कैंडिडेट नहीं देख रहे कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए है, कौन से पार्टी से खड़ा है, जो भी बीजेपी को हरा सकता है, जिसमें प्रमुखता इंडिया गठबंधन के लोग ही हैं जो लगभग सारे लोकसभा क्षेत्र 543 पे खड़े हैं, उनको हराने के लिए बहुत ही एक साथ लामबंद हुए हैं। पिछले 10 सालों में जो किसानों और मजदूरों पे जो मार हुई है, खास करके 3 कृषि कानून और जो 4 लेबर कोड है, उसका बहुत ही प्रभाव दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में मजदूर और किसान लगातार इस सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं उसको लेके लगातार इस कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हमें ये भी देखने को मिला कि जो बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको तो हर तरह की सुख सुविधाएं या उनको जो गाड़ी का परमिशन, बैनर लगाने की परमिशन, माइक लगाने की परमिशन, जितनी गाड़ियां चाहें उतने गाड़ियां करने की, नुक्कड़ सभा करने की अनुमति मिल रही है। लेकिन जो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको गाड़ी का परमिशन देने में बहुत मुश्किल हो रही है, उनके लिए माइक लगाना, उनके लिए जो प्रॉपर अप्लीकेशंस हैं उस पर बहुत हीला हवाली अफसर लोगों के द्वारा की जा रही है। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है कि हर जगह अफसर लोग जो चुनाव में विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको लगातार परेशान करके उनको डिस्करेज करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। जो तीसरी बात ये है कि पूरा चुनाव घूमने के बाद, पूरे बिहार के भोजपुरी इलाके में घूमने के बाद, रोहतास, कैमूर, भगवा, बक्सर के इलाकों में घूमने के बाद ये लग रहा है कि लगभग इंडिया गठबंधन 12 से 15 सीट पूरे बिहार में 40 जो सीटें हैं उसमें से निकाल लेगी। और जो लड़ाई 2 महीने पहले तक बहुत ही एकतरफा लगती थी वो लड़ाई अब बहुत ही कांटे की टक्कर में तब्दील हो गई है। हर जगह इंडिया गठबंधन के लोग लगातार इस बात को
जो उनका चुनाव प्रचार का कैंपेन है, तेजस्वी ने अकेले लगभग 200 से रैलियाँ की हैं, लगातार माले CPIML के गठबंधन के लोग प्रचार में हैं, CPI CPM के लोग साथ में हैं। तो ये जो बहुत अच्छी बात हुई कि जो सामाजिक न्याय वाली पार्टी थी और कांग्रेस का जो था, उसके साथ साथ जो बिहार में कम्युनिस्ट पार्टियों, जो तीनों कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं CPI CPM और CPIML के गठबंधन में आने की वजह से, ये जो पूरा मजदूर किसान अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जो आबादी है वो इस पूरे चुनाव में एक आंदोलन के तौर पे जुड़ी है और बहुत ही दमखम के साथ ये चुनाव जनतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है। तो ये हमारा जमीनी आकलन है बिहार में 15 से 20 दिन घूमने के बाद। धन्यवाद। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.